स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए कोलंबिया, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी चीन। आंसर ए कोलंबिया। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 21 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में शुरू हो गया है, जहां लगभग 200 देश वैश्विक जैव विविधता प्रतिबद्धताओं पर प्रगति का आकलन करेंगे। हर दो साल में एक बार आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने के लिए निवेश पर सहमत होना और वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों को मजबूती देना है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? ए अम्फान, बी दाना, सी फानी, डी वायु। आंसर बी दाना। एक्सप्लेनेशन, बंगाल की खाड़ी में दाना नाम का भीषण चक्रवाती तूफान ताकतवर होता जा रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके 24-25 अक्टूबर की रात भितरकनिका और भद्रक या बालासोर के बीच टकराने की उम्मीद है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार दाना का नाम कतर द्वारा सुझाया गया था। इसका अर्थ है सबसे सही आकार का, मूल्यवान और सुंदर मोती। अगला प्रश्न, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राजील, सी भारत, डी चीन। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स 2024 ने लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस बनाने की भारत की पहल को स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA एक बहुदेशीय गठबंधन है जिसका मकसद दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता और उनके आवासों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? ए सिंधु जल संधि, बी लाहौर घोषणा, सी वाघा सीमा समझौता, डी श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। आंसर डी श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। एक्सप्लेनेशन, भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 24 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षरित मूल समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब की वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ए टोरंटो, बी मेलबर्न, सी ग्लासगो, डी लंदन। आंसर सी ग्लासगो। एक्सप्लेनेशन, खेलों का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मेजबानी से पीछे हटने के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो को इसकी मेजबानी सौंपी गई थी। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है।